अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए एक पेन केक, जो हमारे पास फेस पाउडर होता है, उसकी वीडियो लेके आई हूँ। बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छी है। देखने से पहले इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। चलते हैं वीडियो की तरफ। यह है एक्वा का जर्नी का फेस पाउडर जो है, जिसको हम बेस लगाने के बाद अप्लाई करते हैं। टू वे केक है, नेचुरल वाइट ब्यूटी है, ऑयल कंट्रोल है ये, और इसके साथ ये देखें, इसके पाउडर केक है ये, और 35 और SPF इसका नंबर है। एक्वा की कंपनी है, इसका ये साइन है, और ब्लू ये शेप में है। टू वे केक है, बहुत ही इसकी बेनिफिट्स हैं और बहुत ही ये अच्छा है। प्रोडक्ट्स इनकी बहुत अच्छी हैं और यूज़ के लिहाज से भी ये बहुत अच्छा है। इसको देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये एक्वा का है। टू वे केक नेचुरल वाइट ब्यूटी है, और इसके इनके इन्होंने इंग्रेडिएंट्स दिए हैं, और इसके साथ इन्होंने इसका नंबर दिया है, और ये इसकी इसके साथ इन्होंने इनकी मार्जिन वगैरह ये लिखा है। और इसमें इसके साथ आप मैं दिखा सकती हूँ, ये नंबर इसके डिफरेंस होते हैं, तो ये मेरे पास 1 नंबर है इसका ना। बहुत ही ये अच्छा है, यानी इसका बिल्कुल भी ये उठा उठा हुआ नहीं आता, और बहुत ही अच्छा है। इसको आप उन लोग दे सकते हैं, आप इसके होल्स वगैरह चेहरे के और जितने भी पिंपल्स हैं या ब्लैक हेड्स हैं, उसको रिमूव करके, यानी छुपा देता है ना उसके ऊपर से। और ये बहुत ज़्यादा वाइटनेस भी नहीं देता, कि वो भी एक आर्टिफिशियल सा लुक लगती है। नेचुरल, यानी जो आपकी जल्द है, स्किन की जल्द है, उसके साथ ये मैच हो जाता है ना। और इसके मुख्तलिफ कलर हैं, लेकिन 1 कलर जो है ये सबसे बेस्ट है। ये आपको इसकी शेप भी मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये राउंड शेप में है, और ये देखिए इसका, ये काफ़ी सारा मैंने इसका यूज़ कर लिया है। ये देखें, और इसका कलर भी बहुत अच्छे से स्किन टाइप का है ना, बहुत वाइट नहीं है, ये देख सकते हैं आप। और इसको अप्लाई करके भी मैं आपको कुछ ना कुछ बता देती हूँ। ये देख सकते हैं आप इस तरह से, ये देखिए मैंने इसको अप्लाई किया है, और ये कितना अच्छा ये लग रहा है। ये देखिए, बिल्कुल इसमें थोड़ा सा, ये देखिए इधर से और इधर से फ़र्क नज़र आ रहा है आपको। और इसको ज़रूर अप्लाई ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा, इसको ज़रूर आप परचेज़ करें। एक्वा की हर चीज़, हर प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।